आप लोग जब भी देख रहे होंगे, जहां भी देख सुन रहे होंगे, अभी सबसे ज्यादा चर्चा में एक शब्द बना हुआ है, ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं कि ऑनलाइन माध्यम की उच्च शिक्षा का अवलोकन हम लोग करेंगे। आपके दिमाग में जो भी डाउट होंगे इससे संबंधित, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जो भी आपके सवाल होंगे, उन सभी के जवाब इसमें मिल जाएंगे। आपको बताऊंगा किस तरह से समस्याएं हैं, किस तरह के से लाभ हैं, क्या हो सकता है, सब कुछ पर हम लोग सभी पक्षों पर बात करेंगे। कोरोना वायरस ने क्लासरूम शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है, जिसके संग विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम विचलन में आया है। आप सोचिए, जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है, तब तक स्कूल चलाना मुश्किल है। आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को तो व्यवस्था से भेज रहे हैं पूरी सेफ्टी के साथ, लेकिन सामने वाला बच्चा आ रहा है या नहीं, फिर आप देखते हैं कि छोटे बच्चों में एक दूसरे के साथ खाना खाना, मिलते जुलते रहना, खेलना, तो इससे फैलने की, कोरोना वायरस के फैलने के ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो जब तक ना कोई टीका नहीं आ जाता है, तब तक इस तरह की सुविधाएं चलाना मुश्किल दिख रही है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी आपने सुना होगा ब्राजील में स्कूल खोला गया, वहां एक ही दिन में आपने देखा है कि दूसरे दिन पता चला कि 5,000 बच्चे के करीब कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए ब्राजील में। तो उसके बाद आप छुट्टी हो गई थी, बाद में कर दी गई वहां। कोरोना प्रभाव से शिक्षा तथा पठन पाठन पूर्णता प्रभावित हुआ है। हालांकि कुछ स्कूल, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालयों ने जूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम और स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म के साथ साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प अपनाया है, जो इस संकट काल में एकमात्र रास्ता है। निसंदेह ऑनलाइन माध्यम से विषय वस्तु की जानकारी दी जा सकती है, परंतु क्या इससे शिक्षा प्रदान करने के सभी उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है? क्या ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण होंगे? कौन कौन से उद्देश्य? भारत के शैक्षणिक दर्शन के अनुसार शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, और इन उद्देश्यों को अगर आपने समझ लिया कि हमारे बच्चे को पढ़ना है, तो किस लिए आखिर पढ़ाना है? नौकरी के लिए या कोई उद्देश्य है उनका? सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति एवं चरित्र निर्माण। व्यक्तित्व का यह मतलब होता है और चरित्र का निर्माण कि एक अच्छा इंसान बनाया जाए, जो अपने बारे में सोचे उतना ही देश के बारे में सोचे, उतना ही समाज के बारे में सोचे। समझ रहे हैं? समाज कल्याण यानी कि समाज का कल्याण करने वाला हो। ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास यानी कि ज्ञान उसके पास हो। अब आप सोचेंगे कि गलत हो रहा है तो उसे भी आंख बंद करके आप तमाशा देख के निकल जाते हैं, वहां बोलने वाला होना चाहिए। समझ रहे हैं? केवल नौकरी या अच्छी डिग्री ले लेने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना ही कुछ आप कर पाएंगे जिंदगी में। क्या होगा, बहुत से बहुत 200 साल आप जो लोग जिंदा रह लेंगे, लेकिन आपका नाम क्या रहेगा, देखेगा कहीं? कहीं नहीं। अभी कल ही परसों मैं अन्ना हजारे साहब का इंटरव्यू देख रहा था कहीं, तो वो भी यही कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ के जो समाज है बहुत कम जागरूक है, और वो एक दिशा में कोई भी 70 से 80% और कभी कभी 90% तक लोगों के दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर आपका कोई पॉलिटिशियन और या फिर कोई और अर्थशास्त्री। आप देखते हैं कि आपके बाजार में तरह तरह के कपड़ा आते हैं पहनने के लिए, तो उन्हें कैसे पता होता है कि आप लोग इस तरह के कपड़ा पसंद करेंगे? आपको मतलब एक दिशा में ले जाया जा रहा है, आपका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है। नेता इसी तरह, आपने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम मस्जिद, राम मंदिर, फिर ये मंदिर वो मंदिर, इसी पर आप देखते हैं वोट देते जाते हैं और अपने बच्चों का भी भविष्य मतलब खतरे में डालते रहते हैं। ठीक है, मंदिर मस्जिद वो उनका धर्मों का काम है, अपने आप सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो अपने आप बनवाता रहेगा, तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के मुद्दों पर वोट करिए ना। राम मंदिर बनना है नहीं बनना है, ये सब धर्म के जो वह गुरु हैं उन पर छोड़ दीजिए, और बाकी सुप्रीम कोर्ट है, इसमें नेता क्या करेंगे? नेता कुछ मतलब लगा थोड़ी देंगे, वो अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और आपको पीछे धकेलते रहेंगे, और बिना शिक्षा के क्या होगा? तो आप समझ रहे हैं? अब नीति निर्माताओं के सम्मुख यह प्रश्न है कि यार ऑनलाइन शिक्षा इन तीनों उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल हो रही है। निसंदेह क्लासरूम में शिक्षा में सह अस्तित्व एवं सहयोग, व्यापक साझेदारी,
सामूहिकता एवं विचारिक सहिष्णुता का भाव छात्रों में चरित्र का निर्माण करता है। एक क्लास की रूम की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप अपने बच्चे को भेजते हैं वहां की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप देखते हैं कि एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार रखना, वहाँ शिक्षा भी शिक्षक के सामने रहेंगे, आप तो मतलब आपके बच्चे तो आप वहाँ देख लेंगे कि उन्हें अच्छा अच्छा ज्ञान दिया जाएगा, अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि किस तरह से रहना है। इसके साथ साथ शिक्षक का आचरण और उसके क्रियाकलाप का छात्रों पर बहुत असर पड़ता है। शैक्षिक परिसर में विविधतापूर्ण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और विभिन्न विषयों के छात्रों का आपस में अंतर्व्यवहार, बहस, विवेचन एवं तर्क वितर्क व्यक्तियों के व्यक्तित्व के समग्र संतुलन निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वह छात्रों के मन में समानता की भावना लाते हैं। कहने का मतलब है कि आप क्लास में आपका बच्चा जाएगा तो या फिर आप जाएंगे तो वहाँ बहस होगी, तरह तरह की बातें होंगी, सो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग का विकास होता है, आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। विभिन्न शैक्षणिकतर गतिविधियों एवं अन्य क्रियाकलाप व्यक्तियों व्यक्तित्व निर्माण को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, परंतु ऑनलाइन माध्यम में यह संभव नहीं है। आप सोचिए कि ऑनलाइन आपका बच्चा पढ़ रहा है या आप पढ़ रहे हैं, कोई भी है एक्स वाई जेड, तो आप तो सिर्फ स्क्रीन बोर्ड देख रहे हैं, वहाँ आपको ना तो वो फीलिंग है कि छात्रों जैसी। आप देखिए कि स्कूल में आप 6 से 7-8 घंटे आराम से बैठ लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप घर में इतने बैठ के पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि क्या रहता है कि घर में तरह तरह की मन भटकने लगते हैं। स्कूल जाते हैं तो कम से कम वहाँ पाबंदी तो रहती है कि आप स्कूल छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा की अन्य समस्याओं की अगर हम बात करें तो शिक्षा का बहुमुखी होने के साथ साथ बहनीय सभी की पहुंच में तथा समान होना चाहिए। भारत में डिजिटल डिवाइड, निर्धनता, तकनीकी पिछड़ापन जैसी कई समस्याएं हैं जो सभी के लिए शिक्षा के सिद्धांत को ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण नहीं होने देगी। एक बात आप लोग सोचिए नॉर्मल से कि वैसे भी आपकी देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आपकी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मैं देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप सभी के सामने है जो हालत है, मैं आपके हमारे परिवार की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि एक मोबाइल आपके घर में अगर 4 से 5 बच्चे हैं या 2 से 3 बच्चे हैं, तो आप सोचिए कि सभी के पास मोबाइल दे पाना, उन्हें मोबाइल लेके दे पाना, नेट की व्यवस्था कर पाना संभव है? और फिर याद रखिए कि कहीं गाँव में आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में और बुरी स्थिति है कि लाइट की व्यवस्था, नेट की व्यवस्था, नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, नेटवर्क कैसे है, इस तरह की समस्याएं, कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। और हर किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को 5 से 7 हज़ार का कम मिनिमम, इतने से कम का फोन नहीं आएगा काम चलाने के लिए, तो हर किसी के पास इतना सुविधा नहीं है, और वैसे भी उसकी आय पूरी तरह से रुक चुकी है तो वो कहाँ से लाएगा, समझ रहे हैं? ये भी बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में। और आप समझिए कि जिनके पास खाने के लिए अच्छे से खाना ना हो, एक सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में इन्हीं लोगों की है, जैसे हम लोग हैं, जैसे कि हमारे पास खाने के लिए अच्छी 2 वक्त से रोटी नहीं हो और हम बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल या फिर नेट इस तरह की व्यवस्थाएं कहाँ से कर पाएंगे, आप ही सोचिए, ये तो सोचने वाली भी बात है ना। या सरकार कुछ कर दे तो हो सकता था, समझे? शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज का कल्याण है, जो पहले लक्ष्य से ही जुड़ा है। अगर व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिए जरूरी सहअस्तित्व, सामूहिकता, सहिष्णुता आदि ठीक से विकसित ना हो पाए तो समाज भौतिक स्तर पर भले संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें अनेक विसंगतियां होंगी और सामाजिक समस्याओं को जन्म देंगी। ऑनलाइन शिक्षा लोगों को एक दूसरे से दूर करेंगी, क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर करेंगी, जिससे शिक्षार्थी आध्यात्मिक रूप से कमजोर होगा, जिससे छात्र की समस्याओं से जूझने की जीवटता समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा से प्रायोगिक शिक्षा संभव नहीं हो पाएगी, जो ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होने देगी। तकनीकी विज्ञान और विधि जैसे कई कोर्सों में प्रयोगात्मक ज्ञान आवश्यक होता है। आप सोचिए एक बात कि चलिए ठीक है छोटे बच्चों का काम चल रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, प्रयोगशालाएं होती हैं, वो मोबाइल के द्वारा नहीं समझाई जा सकती हैं, उसके लिए आपको प्रयोगशाला की जरूरत होगी। और इतना हमारे देश में कोई भी समूह सक्षम नहीं है कि वो अपने घर में प्रयोगशाला की व्यवस्था कर सके, समझ में आया आपको? और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है
कि ऑनलाइन शिक्षा पे कम से कम 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे अगर आपका बच्चा बैठता है तो इसका दिमाग पर भी गलत असर देखा जा रहा है। उसकी दिमागी जो सोचने की क्षमता है वो घट जाती है। अभी भी आप देखिए कि आप अगर 6 से 7 घंटा मोबाइल चलाते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता भी घट जाती है। मैंने कई जगह ऐसा पढ़ा भी और देखा भी है, समझ रहे हैं? ऑनलाइन शिक्षा के अगर हम लोग लाभ देखें, देखिए हम समस्याएं तो हम लोगों ने देख ली है लेकिन कई लाभ भी हैं इससे। तो लाभ देखें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा, यानी कि कोरोना महामारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग की कमी। तो इससे क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, एक कहीं बैठ रहा है, कहीं ऑनलाइन अपने घर से क्लास ले रहा है, दूसरा बच्चा कहीं और से ले रहा है। व्यक्तिगत क्लास से सामूहिक रूप से शांत रहने वाले बच्चों में मानव मनोविज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। कोरोना वायरस के प्रसार से बचेंगे, यह तत्कालिक समय की मांग है। क्लास हेतु बुनियादी ढांचा निर्माण में कमी आएगी। एक बात और यहाँ मैं सॉरी भूल गया कहना, आप सोचिए कमियों में या समस्याओं में, ये तो लाभ हो गए। समस्याओं में एक बात आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ की शिक्षकों की क्या व्यवस्था है, छात्रों की छोड़िए, शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने का अनुभव कुछ भी नहीं है। हमारी स्थिति कितनी बुरी है इससे हकीकत से शायद हम लोग परिचित नहीं है, तभी हम लोग मुंह उठा के कुछ भी बोलते रहते हैं। तो जब शिक्षक ही इस लायक ना होंगे तो वो कहाँ पढ़ा पाएंगे बच्चों को, इस तरह की भी एक समस्या है डाल सकते हैं आप यहाँ। सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा हेतु प्रयास की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं दीक्षा, ई वास्ता, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शोध गंगा, विद्वान, ईपीजी पाठशाला आदि बहुत उपयोगी है। कक्षीय पठन पाठन के एक सपोर्टिंग टूल के रूप में इन्हें अपनाना निस्संदेह लाभकारी होगा। लास्ट में आप कह सकते हैं कि कोरोना संकट के दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा अवश्य एक जरूरत है, लेकिन सामान्य दिनों में भारत के समग्र विकास के लिए परंपरागत कक्षीय शिक्षा के सहायक के रूप में ही यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। तकनीकी को जानना तथा समझना अनिवार्य है, परंतु उस पर पूर्ण निर्भरता व्यक्तित्व के विकास में घातक है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग मात्र संकट काल में ही करना उचित होगा। बाद के दिनों में फिर से नॉर्मल शिक्षा उसी तरह की प्रणाली लागू करना चाहिए। आप सोचिए कि आप लोग किसी भी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो घर से भी तो कर सकते हैं आप लोग, फिर भी देखते हैं आप लोग कि घर से करने वालों की संख्या कुछ ही मात्र लोग होते हैं, लेकिन सभी लोग आप क्लासरूम ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहाँ आपको बेहतर परिवेश मिल जाता है और रहने का अच्छी व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी ऑनलाइन प्रणाली की बात।